कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उसके लिए सॉरी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह एक सब्सक्रिप्शन जो होता है, अभिदान जो होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, अभिदान के हमारे ये तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है न्यून अभिदान, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे कम के लिए आवेदन आते हैं, तो इसको बोलते हैं हम न्यून अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, मतलब कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उनकी जो संख्या है वो आवेदित अंशों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। आवेदित संख्या से क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी आवेदित अंश क्या होते हैं, कम, मतलब जितने इशू करना चाह रही है उससे कम के लिए आवेदन आते हैं, तो इसे बोलते हैं हम न्यून अभिदान। दूसरा होता है हमारा पूर्ण अभिदान, यानी कि फुल सब्सक्रिप्शन। तो फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उतने के लिए ही एप्लीकेशन आते हैं, तो इसको बोलेंगे हम फुल सब्सक्रिप्शन। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ इशूड शेयर्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स के, यानी आवेदित अंशों की संख्या और निर्गमित अंशों की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तीसरा जो टाइप आता है हमारा, वो आता है अधि अभिदान, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या हो गया, ओवर हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। यानी कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर निर्गमित अंशों की संख्या कम होती है और आवेदित अंशों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, तो ये तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं, अभिदान के प्रकार होते हैं। एग्जाम में अगर आपसे अभिदान के प्रकार पूछे जाए तो आपको तीनों प्रकार ही लिखने होते हैं। लेकिन आपने नाम सुना होगा सेबी का, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विनिमय एवं प्रतिभूति बोर्ड। ठीक है, तो उसने एक शर्त रखी है। वो शर्त क्या रखी है कि कोई भी कंपनी अपने जब शेयर्स को इशू करती है तो कंपनी टोटल जितने शेयर इशू करना चाहती है उसका कम से कम 90% अभिदान आना कंपलसरी है। यदि किसी कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए उसके 90% से भी कम के लिए सब्सक्रिप्शन आता है, कम के लिए एप्लीकेशन आती है, तो वो इशू फेल माना जाता है और उस कंडीशन में कंपनी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। फिर कंपनी को शेयर इशू करने की जो प्रोसेस है वो पूरी वापस से रिकॉल करनी होती है। तो एक वर्ड हमको याद रखना है यहां पर, वो है हमारा क्या, मिनिमम, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यानी कि न्यूनतम, न्यूनतम अभिदान जो ये होता है वो कितना होता है, 90% होता है। समझ में आ गई बात, इसको हमको ध्यान रखना है। एक नंबर वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ सकता है कि न्यूनतम अभिदान से आप क्या समझते हो, व्हाट डू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें कोई भी कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उसके 90% के बराबर कम से कम एप्लीकेशन हमें चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए, ये तो हमारे एक रूल है जिसका अकाउंटिंग एंट्रीज पर कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अकाउंटिंग का इफेक्ट यहां से हम देखें तो देखिए, अभी तक हमने लास्ट क्लासेज में जो इशू के एग्जांपल्स पढ़े थे वो हमने पूर्ण अभिदान के पढ़े थे, फुल सब्सक्रिप्शन के पढ़े थे, जिसमें कंपनी जितने शेयर इशू करती है जनता के द्वारा उतने के उतने शेयर खरीद लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यून अभिदान की, कि अगर मान लो कंडीशन किसकी हो, न्यून अभिदान की। ठीक है, तो न्यून अभिदान के मामले में क्या होगा, तो न्यून अभिदान का मतलब कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे कम के लिए एप्लीकेशन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो इसके अकाउंटिंग में हमको कोई अलग बात याद रखने की जरूरत नहीं होती है, वही सिंपल कॉन्सेप्ट से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस हमको ध्यान जो रखना है वो क्या रखना है, जब हम अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज में, जो हम अमाउंट लिखेंगे तो वो अमाउंट इशूड शेयर्स के हिसाब से न होकर के अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि कंपनी तो खूब सारे शेयर इशू करना चाहती है लेकिन जनता जो है वो जितने शेयर इशू, जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करती है उससे ज्यादा हम उनको इशू नहीं कर सकते। जैसे एक दुकानदार होता है, मान लीजिए ये मार्कर है, दुकानदार 100 मार्कर बेचना चाहता है लेकिन पब्लिक टोटली केवल 95 मार्कर्स ही खरीदना चाहती है, तो हम 95 से ज्यादा उनको नहीं बेच सकते। तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो सारी 95 के हिसाब से होगी। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम अभी देखते हैं।
और दूसरा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे तो कैलकुलेशन के टाइम पर और अकाउंटिंग के टाइम पर दोनों ही टाइम हमें कुछ एडिशनल बातों का भी ध्यान रखना होगा जो अभी बताते हैं आपको। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, अंडर सब्सक्रिप्शन का, यानी कि न्यून अभिदान का, और समझते हैं कि इसमें किस तरीके से हमारी एंट्री की जाएंगी। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं, ये एग्जांपल हम ले रहे हैं राम लिमिटेड ने 10,000 राम लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 समता अंश जनता में निर्गमन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जिन पर राशि निम्न प्रकार दे थी। आवेदन पर 50 रुपए, आवंटन पर 40 रुपए, प्रथम एवं अंतिम मांग पर 10 रुपए। ठीक है, जनता ने 9,500 शेयर्स क्रय हेतु प्रस्ताव किया। यह हमारा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। राम लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 समतांश जारी किए, मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपए, और टोटल शेयर कंपनी कितने इशू करना चाहती है, तो कंपनी टोटल इशू करना चाह रही है 10,000 शेयर्स, जिन पर पैसा जो है 50 रुपए आवेदन पर, 40 रुपए आवंटन पर, और 10 रुपए हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगे जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमारा 100 रुपीज के बराबर हो जाता है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इशू एट पार है। आगे बताया गया कि जनता ने 9,500 अंशों को क्रय करने के लिए प्रस्ताव किया, मतलब पब्लिक कितना खरीदना चाह रही है 9,500 शेयर्स, तो कंपनी जितने इशू करना चाहती है उससे कम के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशंस किए हैं, तो इसको बोलेंगे हम अंडर सब्सक्रिप्शन का मामला। इसमें जब हम एंट्रीज करेंगे तो हमें कोई विशेष बात याद रखने की जरूरत नहीं है, सारी अकाउंटिंग एंट्रीज जो होगी वो हमारे 9,500 शेयर्स के हिसाब से हमको करनी होगी। सबसे पहले हम जो एंट्री करेंगे वो एप्लीकेशन की करेंगे, और हर कॉल की हमारी कितनी एंट्री बनती है, 2 एंट्री बनती है, एक पैसे को प्राप्त करने की और दूसरा उसको ड्यू करने की। तो एप्लीकेशन पर पहले हम एंट्री पैसे को प्राप्त करने की बनाएंगे, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, जब हम प्राप्त करते हैं तो बैंक अकाउंट DR, और जिस कॉल को प्राप्त करते हैं वो कॉल कर दीजिए CR, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर, तो बेटा अमाउंट अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो 9,500 शेयर्स के हिसाब से करना होगा, क्योंकि कंपनी तो 10,000 इशू करना चाहती है लेकिन जनता केवल 9,500 ही खरीदती है, तो एप्लीकेशन मनी भी 9,500 शेयर्स पर ही पे करेगी। तो 9,500 शेयर्स पर आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, किस भाव से, एप्लीकेशन पर आप कितने मांग रहे हो, 50 रुपए मांग रहे हो, तो 50 रुपए के भाव से आप यहाँ कैलकुलेट करोगे इसको, तो हमारा जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 0,005,025 और 5,945 और 2,47, यानी 4,75,000 रुपए। ये 4,75,000 रुपए से आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, उसके बाद में नरेशन हम इसकी लिख देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड आपकी जो एंट्री बनेगी वो ये एप्लीकेशन मनी को ड्यू करने की बनेगी, और एप्लीकेशन मनी को ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, जिस कॉल को ड्यू करते हैं वो कॉल कर दीजिए DR, यानी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तो करेंगे हम DR, और कैपिटल को कर देते हैं हम CR, यानी कि टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, तो जो अमाउंट आपको प्राप्त हुआ था उसी से हमारी एंट्री बन जानी है 4,75,000 रुपए। आगे बात समझ में, ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारी थर्ड नंबर पे जो एंट्री आती है वो अगला कॉल का नंबर आएगा, जो हमारी अलॉटमेंट है, आवंटन है।
आवंटन पर पहले हम एंट्री करेंगे ड्यूकिंग। तो ड्यूकी एंट्री का सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसको ड्यू करते हैं वो डीआर और कैपिटल अकाउंट सीआर। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर? तो बेटा 9500 शेयर से आपकी अलॉटमेंट पर कितने रुपए प्राप्त कर रहे हो आप? 40 रुपए। तो 40 रुपए के भाव से हम इसका अमाउंट निकालेंगे। तो देखिए 000 हमारा ये आ गया और 4 5 20 राइट, 4 5 20 2 और 4 9 36 और 2 38 यानी कि 380,000 रुपए से आपकी एंट्री बन गई। नरेशन लिख देंगे विंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी बनेगी वो इस अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की बनेगी। तो अलॉटमेंट मनी को हम रिसीव करेंगे तो सिंपल सा लॉजिक, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? वही आपका पूरा 380,000 रुपीज। आगे बात समझ में? उसके बाद में अब हमारा नंबर किसका आएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री बनाएंगे तो पहले एंट्री हम किसकी बनाएंगे? ड्यू की बनाएंगे। और ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डी आर और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर? तो अमाउंट बेटा वही 9500 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मांगे जा रहे हैं? 10 रुपए। 10 रुपए के हिसाब से हम निकाल लेंगे 9500 शेयर्स पर, तो ये हमारा अमाउंट जाता है 95,000। आगे बात समझ में? इसके रिलेशन हम लिख देंगे विंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद में हम इसको रिसीव करेंगे तो रिसीव करने की आपकी जो एंट्री बनेगी वो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? वही 95,000 रुपए। इसकी नरेशन लिख देंगे बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो देखा बेटा आपने किस तरह से जो अंडर सब्सक्रिप्शन का मामला होता है उसके क्वेश्चन को लेकर हमने समझा कि हमारी जो एंट्री बनती है वो फुल सब्सक्रिप्शन की तरह ही एंट्रीज बनती है, अलग कोई बात नहीं होती। बस केवल अमाउंट के कैलकुलेशन पर आपको याद रखना है, क्योंकि फुल सब्सक्रिप्शन में जितने इशू करते हैं उतने ही जनता खरीद लेती है, तो सारी एंट्री उसके हिसाब से होती है। बट अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी जितने इशू करना चाहती है उससे कम के लिए एप्लीकेशन आते हैं, तो जितने एप्लीकेशन आते हैं उसके हिसाब से हमको अकाउंटिंग एंट्रीज करनी होती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इसका खत्म होता है। अब हम एक एग्जाम्पल ओवर सब्सक्रिप्शन का भी समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम इस बात को भी समझते हैं। अब देखिए पहले तो होता क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन में, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी जितने इशू करना चाहती है उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि मान लीजिए कंपनी 20,000 शेयर्स को इशू करना चाहती है, ठीक है, लेकिन जो पब्लिक से एप्लीकेशन आते हैं तो वो एप्लीकेशन हमारे आए मान लेते हैं 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। अब सिंपल सी बात है, कंपनी के पास में देने के लिए 20,000 शेयर है, लेकिन जनता कितने मांग रही है? 50,000 मांग रही है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कंपनी 20,000 है और देना है कितने? 50,000, तो संभव नहीं है। तो फिर कंपनी क्या करती है? तो फिर कंपनी ये जो टोटल एप्लीकेशंस आई हैं, इन टोटल एप्लीकेशंस को चेक करती है। चेक करने पर यदि कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, अधूरी है, किसी कारण से कंपनी की जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा नहीं किया गया है, तो कंपनी उन एप्लीकेंट्स को, उन आवेदकों को शेयर अलॉट करने के लिए मना कर देती है, यानी उनको कोई भी शेयर इशू नहीं करती है। तो मान लेते हैं हम इसमें से 50,000 में से 10,000 शेयर्स जो है उनको कंपनी ने कोई भी शेयर इशू नहीं किया, मना कर दिया कि भैया आपको कोई शेयर नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा कि कंपनी क्या करती है, उनमें से कुछ शेयर्स को पूर्ण अभिदान दे सकती है, मतलब उन्होंने जितने मांगे कंपनी पूरे के पूरे उनको इशू कर सकती है। जैसे मान लो कि 10,000 शेयर्स के वो आवेदक थे जिन्होंने 10,000 शेयर मांगे और कंपनी ने उनको 10 के 10 इशू कर दी, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कंपनी उन्हें अलग अलग रेशो में शेयर इशू कर सकती है।
अलग अलग रेशो में कैसे कर सकती है। अब अलग अलग रेशो में कई सारी कैटेगरीज हमारी बनाई जा सकती है। अब अगर हम इसको सिंपल कंसेप्ट से देखें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई टोटल एप्लीकेशन आए थे 50,000, 10 को मना कर दिया, 10 को 10 दे दिए, ठीक है। अब 10 और 10 20 का हिसाब हो गया, बचे कितने 30। तो जो 30,000 के हमारे बचे थे, इन 30,000 के बचे हुए आवेदकों को हमारे पास जो शेयर बचे, टोटल 20,000 थे, उनमें से 10,000 दे दिए, तो बचे कितने 10, तो वो 10 के 10 हम इनको दे दें। तो यहाँ पर इनके एक फिक्स प्रोपोर्शन यानी कि निश्चित अनुपात हो गया। क्या अनुपात हो गया? 3:1। मतलब किसी आवेदक ने अगर 3 शेयर मांगे तो उसको 1 दे दिया, किसी ने 6 मांगे तो उसको 2 दे दिए, किसी ने 30 मांगे तो उसको 10 दे दिए, किसी ने 60 मांगे तो उसको 20 दे दिए, किसी ने 30,000 मांगे तो उसको 10,000 दे दिए, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है, हो सकता है इसमें और भी कैटेगरी बन जाए। हम डायरेक्टली ऐसे नहीं करते, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इनमें से 10,000 को तो 5,000 दे दिए और 20,000 को भी कितने दिए, 5,000 दिए, यानी इसी के दो कैटेगरी हमने यहाँ पर बना दी। तो इनके दो अलग अलग रेशो हो गए, इसका हो गया 2:1, मतलब किसी ने 2 मांगे तो उसको 1 दिया, किसी ने 10 मांगे तो उसको 5 दिए, 10,000 मांगे तो 5,000 दिए, इसका एक अलग रेशो हो गया, यानी कि 4:1, मतलब किसी ने 4 मांगे तो उसको 1 दिया, किसी ने 20 मांगे तो उसको 5 दिया, किसी ने 20,000 मांगे तो उसको 5,000 दिए। तो ऐसे कैटेगरी हमारी अलग अलग भी हो सकती है, एग्रीगेट भी हो सकती है। ये जो मामला है पूरा हमारा, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि कंपनी जो है वो अपने आवेदकों के एक निश्चित अनुपात में शेयर्स का अलॉटमेंट करती है। यहाँ पर अलॉटमेंट किया ही नहीं, मना कर दिया, यहाँ कंपनी ने पूर्ण विधान कर दिया और यहाँ एक निश्चित अनुपात में शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो बेटा जो इस तरह से एक निश्चित अनुपात में कंपनी के द्वारा शेयर इशू किए जाते हैं, इसी को हम कहते हैं यथानुपात, यथानुपात आवंटन, यानी कि प्रोरेटा अलॉटमेंट, प्रोरेटा अलॉटमेंट। और एक नंबर वाले क्वेश्चन में कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है कि यथानुपात आवंटन से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो इसकी सिंपल लैंग्वेज हमको बनाते हुए इसका आंसर देना है, इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बेटा ये केस कौन सा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी कि अधि अभिदान की दशा में कंपनी आवेदकों को एक निश्चित अनुपात में अंशों का आवंटन करती है, इसे ही यथानुपात आवंटन कहा जाता है। एक नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इस जगह पर, तो हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपकी बात समझ में आई, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी जितने इशू करना चाहती है उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है। तब कंपनी शेयर अलॉट किस तरीके से कर सकती है, किसी को मना कर सकती है, किसी को जितने मांगे उतने दे सकती है, और अगर कोई शेष रहता है तो कंपनी उनको एक निश्चित अनुपात में, चाहे वो अनुपात 1 हो चाहे 1 से ज्यादा हो, अलॉट कर सकती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चों देखिए, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए, इसको समझते हैं और ध्यान दीजिएगा किस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में हम अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, ठीक है बेटा। देखो रवि लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5,000 संतोष निगम नेतु जनता से प्रस्ताव आमंत्रित किए, यानी रवि लिमिटेड जो है वो 100 रुपए वाले संतोष जारी करना चाहती है, कितने हैं 5,000 शेयर है, जिन पर राशि निम्न प्रकार से दे है, किस प्रकार से दे है, तो बताया गया कि भाई आवेदन पर कितने रुपए है 40 रुपए, आवंटन पर कितने रुपए है 40 रुपए, और शेष राशि प्रथम एवं अंतिम मांग पर है। तो देखिए बेटा 100 रुपए का शेयर 40 और 40 80 रुपए यहाँ मिल गए हमको, अब बची कुछ राशि यहाँ पर है, क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि भाई प्रीमियम पर इशू है या एट पार है, तो हम क्या मानेंगे इसको, एट पार मानेंगे। तो एट पार अगर हम इसको मानते हैं तो 40 और 40 80 रुपए हमको यहाँ मिल चुके, बचे कितने हमारे 20 रुपए, 100 में से बचे कितने 20 रुपए, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना रुपए हो जाएगा हमारा 20 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, जनता द्वारा 10,000 संतोषों को क्रय हेतु आवेदन किया गया, मतलब जनता कितने शेयर खरीदना चाहती है 10,000 शेयर खरीदना चाहती है, ठीक है। अब देखो कंपनी इशू करना चाह रही है 5,000 और जनता खरीदना चाहती है कितने 10,000, तो जितने कंपनी इशू करती है उससे ज्यादा जब आवेदन आते हैं तो इस मामले को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, अधि अभिदान। कंपनी ने आवेदकों को निम्न प्रकार आवंटन किया, क्योंकि भैया आवेदन तो बहुत सारे आए हैं कंपनी के पास इतने शेयर्स,
है ही नहीं, तो सबको तो शेयर अलॉट कर नहीं सकती, तो कंपनी ने किस तरीके से आवेदन किया वो आपको क्वेश्चन में आगे बताया गया है। 1000 अंशों के आवेदकों को तो मना कर दिया, मतलब 1000 अंशों के जो एप्लीकेंट्स थे उनको कंपनी ने मना कर दिया कि भैया आपको शेयर से नहीं मिलेंगे। 1000 अंशों के आवेदकों को पूर्ण अभिदान कर दिया। पूर्ण अभिदान का मतलब होता है कि जितने शेयर उन्होंने मांगे वो पूरे के पूरे उनको अलॉट कर दिए। तो यहाँ पर 1000 अंश मांगे गए थे जनता के द्वारा, एक को एक के 1000 दे दिए। नेशनल शेष आवेदकों को यथानुपात आवंटन किया। अब पहले भी देखिए कि शेष आवेदक कितने बचे, टोटल आवेदक थे हमारे 10000 अंशों के, 1000 ये गए 1000 ये गए, दो का हिसाब हो गया, अब बचे कितने 8000, तो शेष अंशों के आवेदक कितने हुए 8000, उनको यथानुपात आवंटन किया। यथानुपात आवंटन का मतलब होता है कि जितने शेयर्स कंपनी के पास बचे हैं उन्हें एक निश्चित अनुपात में कंपनी ने अलॉट कर दिया। तो देखिए कंपनी के पास इशू करने के लिए टोटल कितने शेयर थे 5000, उनमें से 1000 कंपनी ने ये पूर्ण अभिदान वाले मामले में दे दिए, तो बचे कितने 4000, मतलब शेष आवेदक थे 8000 के, शेष आवेदक कितने अंशों के थे 8000 के, उनको यथानुपात आवंटन किया यानी बचे कुछ शेयर दे दिए, तो बचे शेयर कितने हमारे 4000, क्योंकि 5 में से एक को यह पूर्ण आवंटन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। अब हम समझते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इस तरह का जब क्वेश्चन होता है तो उसको सॉल्व करते टाइम हमको एक एनालिटिकल टेबल बनानी है, एक विश्लेषण तालिका बनानी है, ताकि हम उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सके और हमसे किसी भी तरह की गलती होने का चांस खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये एनालिटिकल टेबल हमको केवल ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही बनानी है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बड़े आराम से आपके समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लिख दिया एनालिटिकल टेबल यानी विश्लेषण तालिका। अब हम ये विश्लेषण तालिका बनाएंगे तो इसमें कौन कौन से कॉलम्स होंगे, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपका होगा कौन कैटेगरी का कॉलम, किसका कॉलम होगा कैटेगरी यानी कि श्रेणी। आप कहोगे सर श्रेणी का मतलब क्या रहा, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम बात करें तो जो अलॉटमेंट किया गया है वो कितनी कैटेगरी में किया गया है, तो हमको दिखाई दे रहा है 3 कैटेगरी में किया गया है। पहली कैटेगरी जिसमें 1000 अंशों को मना कर दिया, दूसरी कैटेगरी में 1000 को पूर्ण आवंटन किया, तीसरी जिसमें शेष को यथानुपात आवंटन किया। 3 कैटेगरी हमको इस क्वेश्चन में देखने को मिल रही है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये 3 कैटेगरी हमारी हो गई। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, अगला जो कॉलम होगा बेटा हमारा वो अगला कॉलम हमको बनाना है नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। कौन सा कॉलम, नंबर्स ऑफ अप्लाइड शेयर्स यानी आवेदित अंशों की संख्या, तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स आवेदित अंशों की संख्या। उसके बाद में अगला जो कॉलम हम बनाएंगे तो बनाएंगे नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स यानी आवंटित अंशों की संख्या कि भाई जिस प्रकार से आवंटन किया किस तरीके से अलॉट किया गया। एक कॉलम हमको बनाना होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्योंकि बेटा जब आपको एप्लीकेशन प्राप्त होंगे तो एप्लीकेशन के साथ में आपको एप्लीकेशन मनी भी रिसीव होगा, उसके लिए हमको कॉलम बनाना है। अभी हम यहां तक की बातों को समझते हैं। देखिए कैटेगरी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 लिख दी जो हमारी कैटेगरी थी, अब एक एक कैटेगरी के हिसाब से हमको कॉलम को फिल करना है। तो जैसे पहले बताया गया पहली कैटेगरी में 1000 अंशों के लिए आवेदन आए थे, तो अप्लाइड शेयर कितने हो गए 1000 हो गए या नहीं हो गए, लेकिन हमने उनको अलॉटमेंट किया नहीं किया, हमने उनको शेयर अलॉट करने से कर दिया मना। तो यहाँ पर पहली कैटेगरी में आवेदन तो 1000 अंशों के लिए आया, लेकिन हमने अलॉटमेंट क्या किया, कुछ नहीं किया, तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स में आ जाएगा आपका निल। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी में हम देखें तो सेकेंड कैटेगरी में आवेदन किया गया 1000 अंशों के लिए और हमने उनको आवंटन जो किया गया वो पूर्ण आवेदन किया, फुल सब्सक्रिप्शन यानी पूरा जितने शेयर्स उन्होंने मांगे थे पूरे के पूरे हमने उनको अलॉट कर दिए। तो सेकंड कैटेगरी में अप्लाइड शेयर कितने हैं 1000 और हमने उनको पूर्ण आवेदन में अलॉट भी कितने किए होंगे पूरे के पूरे 1000। ठीक है, थर्ड कैटेगरी की हम बात करें, थर्ड कैटेगरी में कह रहा है कि शेष आवेदकों को यथानुपात आवंटन किया, कुल आवेदक कितने थे, तो बेटा टोटल आवेदक थे कितने के 10000 अंशों के, उनमें से 1000 ये गए और 1000 ये गए, अब बचे कितने
8000, तो शेष आवेदक कितने बचे 8000, तो ये शेष आवेदक हो गए आपके 8000। अगर हम इसका टोटल करें तो ये टोटल हमारा इसका इस तरीके से हो जाता है। देखिए टोटल एयरप्लेन शेयर कितने हो जाने हैं, 10000 हो गए। आगे बात समझ में, ये कह रहा है शेष आवेदक को यथानुपात आवेदन किया, शेष आवेदक हमारे 8000 थे उनको यथानुपात यानी कि निश्चित अनुपात में जितने शेयर हमारे पास थे वो हमने उनको अलॉट कर दिए, तो हमने टोटल शेयर इशू किए थे 5000, यानी हमने टोटल अलॉट कितने करने हैं 5000, उनमें से 1000 हमने इनको दे चुके, तो अब बचे कितने हमारे पास में, तो हमारे पास अब बचे केवल 4000 शेयर। तो जो शेष आवेदक थे 8000 अंशों के, हमने उनको कितने शेयर अलॉट कर दिए, 4000 शेयर हमने उनको अलॉट कर दिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहां तक का टेबल बन चुका है। अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव कि भाई आपको जब एप्लीकेशंस आएंगे तो एप्लीकेशंस के साथ साथ आपको एप्लीकेशन मनी भी प्राप्त होगा, आवेदन राशि भी प्राप्त होगी। तो देखिए आवेदन पर कितने रुपए मांगे जा रहे हैं, आवेदन पर कंपनी ने कितने रुपए मांगे हैं, 40 रुपए मांगे हैं एक शेयर पर। तो हमको देखना है किस तरीके से हमको एप्लीकेशन मनी प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, एप्लीकेशन मनी जो आपको प्राप्त होता है हमेशा अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है, अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से, क्योंकि हम जितने शेयर्स के लिए आवेदन करेंगे उतने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी हमको प्राप्त होगा। देखिए पहली कैटेगरी में हमने अप्लाइड किया कितने शेयर्स के लिए, 1000 शेयर्स के लिए। तो पहली कैटेगरी में आपको जो एप्लीकेशन मनी प्राप्त होगा वो कितने शेयर्स पर प्राप्त होगा, 1000 शेयर्स पर प्राप्त होगा। किस भाव से, एप्लीकेशन पर 40 रुपए है तो 40 रुपए के भाव से 1000 शेयर्स पर कितना पैसा प्राप्त होगा आपको, 40000 रुपए प्राप्त हो जाने हैं। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो दूसरी कैटेगरी में भी अप्लाइड शेयर्स कितने, 1000, और एप्लीकेशन मनी कितना है, 40 रुपए। 40 रुपए के भाव से 1000 शेयर्स पर यहां भी कितना पैसा प्राप्त होगा आपको, 40000 रुपए आपको प्राप्त हो जाने हैं। थर्ड कैटेगरी की हम बात करें, थर्ड कैटेगरी में शेयर्स जो अप्लाइड किए गए हैं वो कितने हैं, 8000, कितने हैं 8000, और एप्लीकेशन मनी कितना है, 40 रुपए। तो 40 रुपए के भाव से 8000 शेयर्स पर कुल मिलाकर हमारा पेमेंट कितना बनता है, तो ये बन जाता है हमारा 3,20,000 रुपए। तो बेटा इस तरीके से आपको एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुआ। टोटल अगर हम करें इसका तो टोटल कितना हो जाता है, 4,00,000। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, 4,00,000 आए टोटल, जैसे 10,000 टोटल एप्लीकेशन अप्लाइड शेयर्स आए थे हमारे पास में, एप्लीकेशन मनी 40 रुपए, 40 के भाव से 10,000 पर 4,00,000 रुपए हमारा हो जाता है, और कैटेगरी वाइज किया तो उसका टोटल भी कितना आ जाता है हमारा, 4,00,000 रुपए आ जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे समझते हैं इसको। देखिए अब जो एप्लीकेशन, क्योंकि अभी तक तो हमने हमारा जो क्वेश्चन था उसको सेट किया है, लेकिन जो एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव हुआ है उसको हमको एडजस्टमेंट करना होगा। ये टेबल हम केवल उस पैसे का एडजस्टमेंट करने के लिए ही बना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर हमको एडजस्टमेंट क्या करना है और क्यों करना है, तो देखिए इस बात को मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए हम अपनी बाइक लेकर के मार्केट के लिए निकलते हैं, और चलते टाइम हमें दो चीजें खरीदनी है मार्केट से, एक तो डेयरी से मिल्क यानी दूध परचेज करना है, और दूसरा हमको कुछ किराने का सामान भी खरीदना है। चलते टाइम रास्ते में बीच में हमको डेयरी पड़ता है, तो हमने वहां पर जाकर बोला कि भैया दूध क्या भाव है, उसने बोला 50 रुपए लीटर। तो हमने उसको बोला कि भैया 4 लीटर दूध पैक कर दो, मैं अभी 2 मिनट में किराने का सामान लेकर के आता हूँ, और मैंने उसको 4 लीटर दूध का 50 रुपए के भाव से 200 रुपए पेमेंट कर दिया, और मैं किराने का सामान लेने के लिए आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस लौट करके आया तो मैंने बोला भैया मेरा पैकेट दीजिए, तो उसने जब मेरे को पैक दिया तो उसने बोला कि सर इसमें जो है टोटल 4 लीटर दूध नहीं है, दूध पर्याप्त नहीं था हमारे पास, इसलिए केवल आपको 3 लीटर दूध ही हम दे पाएंगे। तो आप देखिए बेटा, हम यहाँ पर उसको 4 लीटर के हिसाब से 200 रुपए का पेमेंट कर चुके, ठीक है, और हमें दूध कितना मिला, केवल 3 लीटर मिला। तो यहाँ पर 3 लीटर के हिसाब से पेमेंट कितना बनता है, केवल 150 रुपए हमने पेमेंट किया, 200 रुपए, यहाँ हम 50 रुपए उसको एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, अभी 50 रुपए का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके एडजस्टमेंट की दो कंडीशन हमारे सामने आएंगी। एक कंडीशन तो ये होगा कि वो 50 रुपए हमको वापस लौटा देगा, और दूसरे कंडीशन क्या हो सकता है, वो हमसे कह सकता है कि सर फिलहाल आप 3 लीटर ले जाइए, और जो आपके 50 रुपए बच रहे हैं अगले दिन आप जब दूध लेने आओगे तो नेक्स्ट डे हम 50 रुपए को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, होता है ऐसा? तो बिल्कुल इसी तरह आपको यहां समझना है। यह देखिए एप्लीकेशन मनी जो आपको प्राप्त हुआ है वो अप्लाइड शेयर्स पर हुआ है, और हमको पता है कि अप्लाइड शेयर्स की संख्या जो है
वो एलोकेटेड शेयर की तुलना में क्या है, ज्यादा है। जैसे हम थर्ड कैटेगरी की बात करें, थर्ड कैटेगरी में अप्लाइड कितना किया गया 8000 शेयर्स के लिए, जबकि हमने उनको अलॉट कितने किए, केवल 4000 शेयर्स। आपको जो एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुआ है वो 8000 शेयर्स पर 40 रुपए के भाव से 3,20,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमने जब उनको शेयर अलॉट केवल 4000 ही किए हैं, तो 4000 शेयर्स पर 40 रुपए के भाव से हमारा एप्लीकेशन मनी बनता तो केवल 1,60,000 ही है। तो यहाँ पर हमको 3,20 प्राप्त हुआ है, बनता 1,60 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1,60,000 रुपए हमको एक्स्ट्रा मिल गया, किसको, कंपनी को एक्स्ट्रा मिल गया। तो अब क्या करेगा, तो कंपनी ये कहेगी कि भाई आपका जो एक्सेस अमाउंट है, जो 1,60,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, हम इस 1,60,000 रुपए को आगे की जो कॉल्स हैं, अभी तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी हो सकती है, हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल तक का ही लिया है, ठीक है। तो वहां हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, ये प्रोविजन कंपनी में होता है। तो उस एडजस्टमेंट करने के लिए हम ये एनालिटिकल टेबल बना रहे हैं। अब आपको एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये कि एडजस्टमेंट करने की प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। दूसरी बात ये, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है। एक्सेस अमाउंट को जो एप्लीकेशन पर आपको प्राप्त हुआ है, उसे हम अलॉटमेंट पर भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल पर भी कर सकते हैं, सेकंड कॉल पर भी कर सकते हैं। जब क्वेश्चन आपको कहे कि आपको इस पैसे को इस तरीके से इस कॉल पर यूज करना है, तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको करना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन इस बात को आपको क्लियर नहीं करता है कि आपको जो एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को किस कॉल पर यूटिलाइज करना है, तो ध्यान रखना बेटा, हम उस कंडीशन में केवल अलॉटमेंट तक ही यूज करेंगे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक उस एक्स्ट्रा अमाउंट को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, क्वेश्चन कुछ कहे या ना कहे, एप्लीकेशन पर मिले एक्सेस अमाउंट को हम अलॉटमेंट तक तो यूज कर ही सकते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर हम तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन हमसे कहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपसे नहीं कहा गया है कि आप इस एक्सेस को कहां तक यूज करोगे, तो हम इसको केवल अलॉटमेंट तक ही यूज करेंगे। समझते हैं आगे की स्टेप। तो देखिए, अब हम आगे जो टेबल बनाएंगे वो होगा हमारा एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यानी जो एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुआ है, इस क्या एडजस्टमेंट हम यहाँ पर करेंगे। तो किस किस पर एडजस्टमेंट होगा, तो पहला होगा आपका ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी को खुद एप्लीकेशन पर यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो हम उसको अलॉटमेंट पर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद पैसा बचता है और क्वेश्चन में कहा जाता है, तो हम उसको फर्स्ट कॉल पर या सेकंड कॉल पर यूज करेंगे। उसके बाद भी पैसा बचता है या फिर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के लिए नहीं कहा जाता और पैसा बच जाता है, तो उस दशा में हम बचे हुए पैसे को अपने जो एप्लीकेंट्स हैं, जो आवेदक हैं, उनको हम वापस कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं। तो एक कॉलम आपको यहाँ पर किसका बनाना होगा, रिफंड का। और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर मैंने कॉलम इसलिए नहीं बनाया कि क्वेश्चन हमको कहा ही नहीं गया है, तो हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, जो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ था, ये अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से हुआ था, लेकिन अब हम जो एडजस्टमेंट करेंगे तो वो एडजस्टमेंट आपका अलोटेड शेयर्स के हिसाब से होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, किसके हिसाब से होगा, अलोटेड शेयर्स के हिसाब से। देखिए कैटेगरी वाइज, एप्लीकेशन पर यूटिलाइज करेंगे, एप्लीकेशन पर कितने रुपए मांगे जा रहे हैं, 40 रुपए। पहली कैटेगरी में कितने शेयर अलॉट किया आपने, कुछ भी नहीं किया। तो आपने अगर पहली कैटेगरी में कोई शेयर अलॉट ही नहीं किया, तो क्या उस पैसे को जो आपको पहली कैटेगरी के अप्लाइड शेयर्स पर मिला है यूज करने का अधिकार है, नहीं है। तो हम ये 40,000 रुपए पूरे के पूरे कर देंगे, रिफंड कर देंगे, वापस लौटा देंगे, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, दूसरी कैटेगरी में अलॉटेड शेयर्स कितने हैं आपके, 1,000 है। 1,000 अलॉटेड शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी 40 रुपए के भाव से कितना बनता है, 40,000 रुपए। कितना बनता है, 40,000। और आपका एप्लीकेशन मनी प्राप्त भी कितना हुआ था, 40, मतलब 40 प्राप्त हुआ और 40 ही बनता है, ना तो पैसा कम पड़ा और ना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा बचा। तो जब पैसा बचा ही नहीं, तो उसका एडजस्टमेंट होगा भी नहीं। अगली कॉल की बात, अगली कैटेगरी की बात करें, थर्ड कैटेगरी में हमने शेयर अलॉट किए 4,000। तो 4,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी 40 रुपए के भाव से कितना बनता है, तो ये बनता है आपका
60,000 रुपए कितना बनता है, 1,60,000, जबकि आपको प्राप्त कितना हुआ था, 3,20,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा बेटा, यह आपको प्राप्त हुआ है 3,20, बनता कितना 1,60, तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है। इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमको दिखाई दे रहा है, तो हमको एक्स्ट्रा अमाउंट दिखाई दे रहा है 1,60,000 रुपए। कैसे आया, 3,20 में से 1,60 को लेस कर देंगे तो 1,60,000 का हमको एक्स्ट्रा अमाउंट दिखाई देता है। ठीक है, आप समझिए इसको आगे। आगे जो 1,60,000 रुपए का आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है, इसका क्या करेंगे हम, इसको अगली कॉल पर यूज करेंगे। अगली कॉल कौन सी है आपकी, अलॉटमेंट। तो पहले आपको ये देखना है कि अलॉटमेंट पर हमारा पैसा बनता कितना है। तो देखिए बेटा, अलॉटमेंट पर भी हम कितने रुपए मांग रहे हैं, 40 रुपए। हमने यहाँ अलॉटमेंट पर भी कितने मांगे हैं, 40 रुपए। तो 40 रुपए के भाव से वही 4,000 शेयर्स पर 40 के भाव से कितना पैसा बढ़ता है, 1,60। और हमारे पास एक्सेस भी कितना है, 1,60। तो हमने ये एक्सेस को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, जितना बनता है उससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते, और जितना है उससे ज्यादा भी हम नहीं लिख सकते। तो है कितना, 1,60, वो बनता भी कितना, 1,60, जो हमने पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया। टोटल कितने, 3,20। 3,20 में से 1,60 यहाँ यूज हो गए, 1,60 यहाँ यूज हो गए, बचा क्या, कुछ नहीं। तो रिफंड क्या होगा, कुछ नहीं। ठीक है, और अगर हम इनका टोटल कर लेते हैं तो ये टोटल हो गया हमारा 2,00,000 रुपीज का, ये हो गया 1,60,000, और ये हो गया आपका 14,000। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये एनालिटिकल टेबल हमारी कंप्लीट होती है। अब इसके अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, बिल्कुल सिंपल वे में हम इनकी एंट्रीज को समझेंगे। सबसे पहली एंट्री जो हमारी बनेगी वो किसकी बनेगी, एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन में भी रिसीप्ट वाली एंट्री बनेगी। तो रिसीप्ट वाली एंट्री बनाएंगे हम बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर, तो बेटा बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, टेबल हमने बनाई ही इसीलिए है ताकि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए। इस एंट्री को हमको करना है फोर्थ कॉलम से, किससे करना है, फोर्थ कॉलम से। फोर्थ कॉलम में हमारा लिखा हुआ है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यानी कि जो एप्लीकेशन हमको प्राप्त हुआ है। तो टोटल कितना प्राप्त हुआ है आपको, टोटल हमें प्राप्त हुआ कितना, 4,00,000 रुपए। तो ये एंट्री आपकी जो बनेगी बालक, वो कितने से बनेगी, 4,00,000 रुपए से आपकी एंट्री बन जानी है, क्योंकि हमको टोटल कितना पैसा मिला है, 4,00,000 रुपए। ठीक है, नोटेशन लिख देंगे विंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद में अब हम इस एप्लीकेशन को ड्यू करते हैं, क्या करते हैं इसको, हम ड्यू करते हैं। तो ड्यू करने की हमको एंट्री बनानी है। ठीक है, अब देखो ड्यू करने की जो एंट्री बनाएंगे, तो नॉर्मली हम एंट्री क्या बनाते हैं, नॉर्मली एंट्री बनाते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम ये एंट्री। ठीक है, कितने अमाउंट से बनेगी ये एंट्री, तो बेटा ये एंट्री बनेगी हमारे, तो हमने जिस प्रकार से शेयर अलॉट किए हैं, क्योंकि हम ड्यू उन्हीं पे करेंगे जितने हमने शेयर अलॉट किए हैं। हमने शेयर अलॉट कितने किए थे, केवल 5,000 ही अलॉट किए थे। तो 5,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी कितने रुपए के भाव से, 40 रुपए के भाव से कितना बनता है, 2,00,000 रुपए। कितना बनता है, 2,00,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, 5,000 शेयर हमने अलॉट किए थे, ड्यू उन्हीं पर करेंगे जो हमने अलॉट किए हैं। एप्लीकेशन पर कितने रुपए, 40 रुपए। 40 रुपए के भाव से 2,00,000 हमने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया। इस बात को हम टेबल में भी देख सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन पर हमने कितना यूज किया है, 2,00,000 रुपए। कितना यूज किया है, 2,00,000 रुपए। 2,00,000 से आपकी एंट्री बन गई। ठीक है, अब देखो प्राप्त तो आपको कितने हुए थे, 4,00,000, उनमें से 2,00,000 रुपए आपने एप्लीकेशन पर यूज कर लिए। अभी कितने बचे, 2,00,000। उन 2,00,000 में से 1,60,000 रुपए तो आपने कहां पर यूज किया है, अलॉटमेंट पर, और 40,000 रुपए क्या कर दिया आपने, रिफंड कर दिया। 2,00,000 का हिसाब हमारा ये हो जाता है। इसका एडजस्टमेंट करने के लिए हमको एंट्री करनी पड़ेगी, तो वो क्या एंट्री बनेगी, देखिए यहाँ पर पहली एंट्री में आपने एप्लीकेशन अकाउंट को CR कितना किया, 4,00,000, और यहाँ पर एप्लीकेशन को DR कितना किया है, 2,00,000। तो अभी भी ये CR बैलेंस बचा हुआ है, जब हम उस 2,00,000 को एडजस्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अभी CR बैलेंस बचा हुआ है, खत्म करने के कर देंगे हम इसको, DR कर देंगे। तो थर्ड एंट्री हम जो बनाएंगे वो इस पैसे को एडजस्ट करने की बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम इस पैसे को लिए, जो 2,00,000 का डिफरेंट हमारा आ रहा है, यानी अलॉटमेंट का और रिफंड का टोटल कितना होता है, 2,00,000, वो अभी CR है, इसको DR कर देंगे। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, कितना अमाउंट, 2,00,000 रुपए हो गया। यहाँ DR 2,00,000, यहाँ DR 2,00,000, और ये CR 4,00,000, बराबर हो गए सब। और टू, अब इस पैसे को आपने कहाँ कहाँ पर यूज किया है, तो हमने इसको एक तो अलॉटमेंट पर यूज किया, तो हम देख देंगे टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट कितना अमाउंट 1,60,000 रुपए, और 40,000 रुपए हमने क्या कर दिए, रिफंड कर दिए, मतलब वापस लौटा दिए। तो जब पैसा मिला था तो हमने बैंक अकाउंट को डीआर किया था, जब हम वापस करेंगे तो बैंक अकाउंट को सीआर कर देंगे, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट 40,000 रुपीज। आगे बात समझ में, ये एप्लीकेशन मनी को प्राप्त किया, ये एप्लीकेशन को ड्यू किया, और अब जो टोटल पैसा मिला था उसमें से ड्यू के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा उसको यूटिलाइज करने की हमारी एंट्री हो गई। एक बात को ध्यान रखना बेटा, हम अगर चाहे तो इन दोनों एंट्रियों को मिला करके एक ही एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन डीआर हो रहा है, इसमें भी एप्लीकेशन डीआर हो रहा है, दोनों को एक ही लिख देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, अमाउंट ऐड कर देंगे कितना 4,00,000 रुपए, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,00,000 रुपए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,000 रुपए, और टू बैंक अकाउंट कितना 40,000 रुपए। आगे बात समझ में, इस तरीके से हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद अब हमारा अगला नंबर जो आता है वो फोर्थ एंट्री किस बात के लिए बनेगी, चाहे तो आप इन दोनों को मिलाकर एक कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ एंट्री जो बनेगी हमारी वो बनेगी अगली कॉल कौन सी, हमारी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट को करेंगे हम ड्यू, अलॉटमेंट को करेंगे हम ड्यू, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा सर, तो बेटा देखो हमने टोटल शेयर कितने लॉट किए थे 5,000, अलॉटमेंट मनी कितना 40 रुपए, तो 5,000 शेयर पर 40 रुपए के भाव से टोटल कितना बनता है, तो टोटल बनता है हमारा कितना 2,00,000 रुपए, तो 2,00,000 रुपए आपके यहाँ पर आ जाने, ये हमारा डी हो गया 2,00,000 रुपए से, नरेशन लिख देंगे देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद में अगली एंट्री जो हमारी बनेगी, तो अलॉटमेंट मनी को प्राप्त करने की बनाएंगे, इसकी बनाएंगे अलॉटमेंट मनी को प्राप्त करने की। अब देखिए बेटा, हमने अलॉटमेंट पर टोटल जो ड्यू किया था वो कितना अमाउंट किया था 2,00,000 रुपए, इस 2,00,000 रुपए में से 1,60,000 रुपए तो आपको पहले ही मिल चुके हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल टेबल में हमको दिखाई दे रहा है, जिसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री हम यहाँ पर एप्लीकेशन अकाउंट डिजायर टू अलॉटमेंट 1,60,000 रुपए से ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए हमने टोटल ड्यू किया अलॉटमेंट पर 2,00,000, उनमें से 1,60,000 आपको पहले ही मिल चुके, तो अब कितने मिलने हैं, तो हमको अब मिलने हैं कितने 40,000 रुपए, कितने मिलने हैं बेटा 40,000 रुपए। तो शेष राशि 40,000 को प्राप्त करने की एंट्री बना लेंगे, जो सिंपल है, बैंक अकाउंट डीआर और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, समझ में आ गई बात, कितना अमाउंट 40,000 कैसे आया, टोटल ड्यू हुआ था 2,00,000, उसमें से 1,60,000 हमको मिल चुका ऑलरेडी, तो अब कितना मिल जाएगा 40,000 रुपए, हो गया अलॉटमेंट तक का हिसाब पूरा। उसके बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट टेंडर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, कितना अमाउंट, तो उसने बोला था कि शेष राशि कितनी बची, मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था आपको 100 रुपए का शेयर है, 40 और 40 80 मिल गए, बचे कितने 20, तो 20 रुपए के भाव से टोटल शेयर कितना लोड किया आपने 5,000, तो 5,000 टोटल लोड कितने किए 5,000 पर, 20 रुपए के भाव से कितना अमाउंट हमारा आ जाएगा 1,00,000 रुपए, 5,000 शेयर पर 20 रुपए के भाव से, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना वही 1,00,000। आगे बात समझ में, उसके बाद में आप फर्स्ट कॉल को रिसीव करोगे, तो फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, तो देखिए हमने यहाँ फर्स्ट कॉल पर एक्सेस तो कुछ यूज किया ही नहीं है, तो जितना हमारा बनता है पूरा का पूरा पैसा हमको प्राप्त होगा, तो ये पूरे के पूरे हमने प्राप्त कर लिए कितना 1,00,000। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम ये ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में एंट्रीज करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल लेकर के बेसिक फंडामेंटल समझाए, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाना और उसमें से जो इस तरह के क्वेश्चन से अब तक के जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उन सभी के इलस्ट्रेशंस और उनके न्यूमेरिकल्स घर पे तसल्ली से कूलर की हवा में बैठ करके और सॉल्व करना, और अगर किसी भी एग्जांपल में या न्यूमेरिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अब आगे टॉपिक आता है हमारा
क्वेश्चन एरिया को लेकर के, क्वेश्चन एडवांस को लेकर के, उन पर इंटरेस्ट की रेट और अकाउंटिंग को लेकर के, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।